मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, बिलाखिर सरिये के रेट्स के हवाले से आई गुड खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान में सरिये की कीमतों में देखने में आई बड़ी कमी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल HTV न्यूज़ में। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको बताएं कि इससे पहले भी पाकिस्तान में सरिये की कीमतों में कमी देखने को मिली। बिलाखिर एक मरतबा फिर पाकिस्तानी मार्केटों के हवाले से आई सरिये की कीमतों में कमी की अच्छी खबर। दोस्तों आपको ये भी बताते जाएं कि इससे पहले अगर बात करें डिमांड की, तो सरिये की डिमांड में तकरीबन अभी भी 70 से 80% डिमांड में कमियां। इसके बावजूद पाकिस्तान में सरिये की कीमतों में उतनी बड़ी कमी देखने को नहीं मिली जितनी कि अभी तक डिमांड में कमी है। अमरीकी डॉलर की कीमतों में भी कमी है। और अगर बात करें पेट्रोल और डीजल की, आपको बताएं कि इस बार हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी का ऐलान हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि अभी तक लोकल सरिये की कीमतों में कमी देखने को मिली है। अगर बात करें ब्रांडेड सरिये की, जिनमें कामरान स्टील, मुगल स्टील अलावा और इसके दीगर कंपनीज की, लेकिन आपको बताएं कि इनके रेट में अभी तक कोई तब्दीली देखने को नहीं मिली। लेकिन पाकिस्तान में जो लोकल सरिया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का, इसके रेट में तकरीबन 2 रुपये किलो के पीछे कमी एक मरतबा फिर देखने में आ चुकी है। इसी तरह अगर बात करें पर टन की, तो आपको बताएं कि पर टन के पीछे तकरीबन 2000 रुपये कमी देखने में आ किया। लेकिन दोस्तों कुछ न्यूज और कुछ अपडेट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में ब्रांडेड सरिये के रेट में भी कमी होगी और साथ में लोकल सरिये के रेट में मजीद कमी आने के चांसेस बन चुके हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसके बारे में मालूम हो सके जो की अभी तक मार्केट के उनको न्यूज सुनने को नहीं मिली, ताकि उनको भी ये न्यूज पता चल सके। अल्लाह हाफिज।